नमस्कार, मैं राजेश कुमार वर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराजा ललितपुर। विषय शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक स्रोत एवं नवाचार, DLH थर्ड सेमेस्टर। आज का टॉपिक है मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। मूल्यांकन की आवश्यकता की बात करें तो मूल्यांकन का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल की अपेक्षा वर्तमान जीवन अत्यधिक जटिल हो गया है। एक छात्र विद्यालय में प्रवेश तो ले लेता है, परंतु जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने में अपने को असफल पाता है। यह असफलता उसे निराशा में डुबो देती है। अतः इस बात की परम आवश्यकता है कि छात्र की विभिन्न योग्यताएं, क्षमताएं, कुशलताओं आदि का मूल्यांकन करके उसे एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ने का परामर्श दिया जाए। मूल्यांकन इस कार्य में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुआ है। इस विषय में विद्वान वर्मा लिखते हैं कि मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को परामर्श तथा निर्देशन भी प्रदान किया जाता है। छात्रों को विभिन्न आयामों का मापन करके यह निश्चित किया जाता है कि छात्र को कौन कौन से विषय का अध्ययन करना चाहिए, उसे किस प्रकार का पाठ्यक्रम लेना चाहिए। मापन के द्वारा न केवल शैक्षिक निर्देशन ही बल्कि व्यावसायिक निर्देशन देने का भी कार्य करता है। मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात होता है कि छात्र किस विषय में कितना जानता है तथा अध्यापक को अपने शिक्षण में कितनी सफलता मिली है। जब छात्र को अपनी दुर्बलताओं और गुणों का ज्ञान हो जाता है तो वो अपनी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए या अपनी दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयास करता है। अतः स्पष्ट है कि मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व केवल छात्र के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि शिक्षक अभिभावक एवं समाज के दृष्टिकोण से भी है। मूल्यांकन की आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में सभी के लिए उपयोगी होती है, जो निम्नलिखित है। नंबर एक है, इसमें मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता विद्यालय प्रशासन की योजनाओं को सरल एवं असफलता को मापने के लिए होती है। सरलता एवं असफलता को मापने के लिए होती है। इसके अंतर्गत योजना की सफलता एवं असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। योजना का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया जाता है उसको ध्यान में रखकर उसे उस उद्देश्य को प्राप्ति करने हेतु विद्यालय प्रशासन की प्रक्रियाएं, इसके प्रक्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। इसके विपरीत यदि विद्यालय प्रशासन को अपने नियोजन में निर्धारित जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति नहीं होती है तो यह मान लिया जाता है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रयुक्त किए गए विधियों से कार्य नहीं किया गया। जो विद्यालय प्रशासन ने उपयुक्त विधि प्रयोग की थी वो
क्या है, सही रूप से प्रयोग नहीं की गई, विद्यालय प्रशासन असफल है। अतः मूल्यांकन के आधार पर विद्यालय प्रशासन को अपनी त्रुटि का ज्ञान होता है तथा अच्छे प्रशासन के लिए सुझाव प्राप्त होते हैं। मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है। विद्यालय प्रशासन की सफलता एवं असफलता का मूल्यांकन किसी दूसरे व्यक्ति से कराना चाहिए जिससे पक्षपात की संभावनाएं ना हो। मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं स्पष्ट होनी चाहिए। मूल्यांकन के बाद प्राप्त त्रुटि का निराकरण प्रभावी विधि से कराना चाहिए। नंबर अगला है, मूल्यांकन प्रणाली में वैधता एवं विश्वसनीयता निहित होनी चाहिए। विद्यालय के अध्यापन विद्यालय में अध्यापन की भांति प्रशासनिक मूल्यांकन की भी आवश्यकता होती है। एक प्रशासनिक मूल्यांकनकर्ता के रूप में पर्यवेक्षक कई विद्यालयों में पर्यवेक्षण करता है। विद्यालयों में पर्यवेक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पर्यवेक्षण की सहायता से विभिन्न स्थलों में स्थित विद्यालयों में संपर्क स्थापित किया जाता है। नंबर दूसरा, अध्यापकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षक आवश्यक है। नंबर तीसरा है, पर्यवेक्षण छात्र तथा शिक्षकों को अनुप्रेरित करने हेतु आवश्यक है। नंबर चौथा है, यह विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। यह अगला नंबर है, यह अध्यापक को अपने ज्ञान का नवीनीकरण करने में सहायता प्रदान करता है। नंबर अगला है, विद्यालय में उत्पन्न कुप्रवृत्तियों को दूर करने में सहायक होती है। पर्यवेक्षण विद्यालय वातावरण को सुधारने में सहायक होता है। आज का मूल्यांकन की आवश्यकता में महत्व का एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन में प्रशासनिक आवश्यकता पूर्ण हुआ है। कल नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। अभी आवश्यकता और महत्व का नेक्स्ट पॉइंट दूसरा नंबर पर हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।